नरसिम्हानंद सरस्वती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने इस्लाम धर्म के पैगंबर के बारे में कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से मुस्लिम धर्म में इस बात को लेकर काफी रोष देखने को मिल रहा था। आप विधायक अमतुल्ला खान से लेकर दूसरे मुस्लिम लोगों द्वारा नरसिम्हा की गर्दन काटने तक की बात कही जा रही थी। इसी कड़ी में अब मेरठ के रहने वाले दानिश नाम के एक शख्स ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो बनाकर डाला है, आइए सुनते हैं। मगर आपसे मैं एक बात कहूंगा, गाजियाबाद डाकना के अंदर जिधर भी आपका मंदिर है, मैं आपसे वाकिफ नहीं हूँ, और आप इतने कमबख्त आदमी है, आपसे मिलने का मौका भी नहीं मिले, और आपकी शक्ल देखने को हमें मिले, बहुत बड़ी आपका मौका मिल गया हमें, तो हम तुम्हारी गर्दन उतारना है, मगर हम ऐसा करेंगे नहीं। मगर तुम्हारी जो गर्दन काटेगा उसे 51 लाख रुपये देने का इनाम हम करेंगे। मोहम्मद दानिश कुरैशी मेरठ के अंदर मकबरा डिग्गापुर अपनी जेली बेच के, अपना घर का जेवर बेच के, अपना घर मकान बेच के 51 लाख रुपए देने का मैं काम करूंगा। आपकी जिन्हें गर्दन काटना काम किया ये मैं वादा करता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अपना आपको ही करना पड़े। पुलिस ने वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने के 1 घंटे के अंदर ही इस युवक को धर दबोचा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।